मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज आप लोग हैं, और इसीलिए आप लोगों को आज ट्रेनिंग का ये सेशन ढाई घंटे का देने के लिए हमने एक्सपर्ट्स को दावत दी। लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी सेलिब्रिटी जो हर चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज करती हैं, और साथ तमीज़ और तहजीब से इनका बड़ा ज़बरदस्त और गहरा नाता है, सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने आसपास मौजूद लोगों को भी ये हर वक्त सिखाती रहती हैं। तो मैंने कहा आज के लिए बहुत सूटेबल सेलिब्रिटी हैं। सो वेलकम टू सबा फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। सो ये तमीज़ और तहजीब ही जो है वो, और टैलेंट ऑब्वियसली, वो यहाँ तक लाता है जहाँ तक आप हैं पहुँची हैं। निदा, हम हमेशा, मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो मैं कभी सुनती हूँ और वो कहते हैं कि जी मेरी माँ ने ये कहा था, मेरी माँ ऐसे करती थी, मेरी माँ ने, तो ये चलते आ रहे होती हैं तहजीब रिवायात जो है ना आपके अबाव अजदाद से। तो हमने तो अपनी माँ से बहुत सीखा, और शुरू में तो शायद मैं वैसी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह होती जा रही उनकी हर वो चीज़ जो वो फील किया करती थी ना, कहती भी नहीं थी, जो वो फील करती थी, आज मैं वो चीज़ें फील करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये एकदम से ऊपर से नहीं उतरती चीज़ें, ये आपके खून में होती हैं। और सीखने का अमल तो ख़त्म ही नहीं होता, आपकी कब्र तक जारी सारी रहता है। और आज इसीलिए हम बड़ा रिसर्च कर रहे होते हैं एक्सपर्ट्स बुलाने के लिए, क्योंकि कभी कभार आपको समझ नहीं आ रही होती आप कहाँ कॉन्टेक्ट करें यार इस चीज़ कि अगर आपने कोई स्किल डेवलप करनी है, तो हमारी भी टीम पूरी लगी हुई होती है रिसर्च करने के लिए। मुझे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की बात इतनी अच्छी लगती है, ऐसे ऐसे टॉपिक आप लोग तलाश करके लाते हैं जिसे लोग शायद इग्नोर कर दें, लेकिन उनका हमारी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है। तो हम लोगों ने बड़ी सोच विचार और ढूंढने के बाद हमने दो एक्सपर्ट्स अपने शो पे आज उनको बुलाया है। एक तो हमारे पास हैं शमाइला शहबाज, सही मैंने आपका नाम प्रोनाउंस किया, आई एम सॉरी, एटिकेट ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपने तो ज़्यादा तमीज़दार बनना पड़ेगा, पता नहीं क्या चीज़ पकड़ी। वही वाली बात है जैसे अभी सबा ने की कि वो तमीज़ ऑलरेडी हम में है, हमारे पेरेंट्स ने हम में डाली हुई है। ये और बात है कि आजकल थोड़ा सा कुछ बच्चे जो हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो कैजुअल हो गए हैं। लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि वो सब बातें आप लोगों में ऑलरेडी मौजूद हैं, और इंशाल्लाह आपसे मिलने के बाद और वो ज़्यादा हो जाए। मेरी नेक्स्ट एक्सपर्ट है जी सानिहा खालिद, सानिया खालिद लेकिन लिखा सानिहा है, तो आगे गलती है। सानिया खालिद जो कि जनरल मैनेजर एट रूट्स मिलेनियम लीडरशिप ट्रेनर एंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई है, और यू नो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, अच्छा लग रहा है बिल्कुल, और शेयर करने के लिए। पता है क्या मतलब, हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, चाहे वो हमारी माँ हो, कभी कभार फुप्पो भी होती हैं, कभी कभार कोई ऐसी खाला होती हैं जो आपको ट्रेन करने के, या कोई आपकी कोई बड़ी कज़न होती हैं, फिर टीचर्स में कोई एक ख़ास टीचर होती हैं कि वो पढ़ाई तो कराती हैं लेकिन साथ वो तमीज़ भी सिखा रही होती है, टिकेट भी सिखा रही है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आप जैसे अब अपने प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी सेलिब्रिटी होता है, आपका सीनियर होता है, या जिस भी आप इदारे में काम कर रहे होते हैं वहाँ के लोग होते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ग्रूम होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप अपने बड़ों से सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें छोटे से आप अपने से छोटे उम्र के बच्चे बच्चियों से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। हम लोग यही कहते हैं जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आपको करनी है अपनी, और आपका दिल चाहता है कि आप अपने आप को चेंज करें, तो हमेशा ये कहते हैं कि आप कोई आइडियल बना लें। जैसे कोई, जैसे आप हैं, अगर आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो आप अपनाएं, आप उसी को कॉपी करें। तो जैसे जैसे आप लोगों से सीखते जाते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी ऑल वो ऑटोमेटिकली ग्रूम हो जाती है। ऑल्सो जैसे आप कहते हैं, आप कह रही हैं कि सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग बाय नेचर, अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है उन पे कि वो पॉइज्ड होते हैं, पॉइज्ड प्रोफेशनल। मैं आपको कहूँगी, मैं जब आपको देखती हूँ तो आप एक पॉइज्ड पर्सन है। पॉइज्ड का मतलब है कि आप ग्रूम्ड हैं, आप वेल मैनर्ड हैं, आपकी डिग्निटी है, मतलब आपकी एक इंप्रेशन है। तो ये पॉइज्ड जो होता है वो समझाया नहीं जाता, वो देखा जाता है।
ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ग्रूमिंग में आपको पता है अपीयरेंस आपकी कैसी है, वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है मैनर्स एटिक्विट। अच्छा, जैसे अपीयरेंस वाइज तो कहते हैं ना, नैन नक्श या रंग रूप तो अल्लाह ताला की देन है। जी जी वही ना, मगर लाइक उसके अंदर कैसे हम वो वाली पर्सनैलिटी लेकर आए, क्योंकि ये तो एक प्लस पॉइंट होता है किसी की, अगर शक्ल सूरत अच्छी अट्रैक्शन है तो ये तो उसको एक अल्लाह ताला की तरफ से प्लस पॉइंट मिला है। लेकिन वही वाली बात है कि जैसे आप दूसरे लोगों को देखते हैं, और मेरा हमेशा ये ख्याल है एटिकेट क्या है, इट्स एन आर्ट टू मेक एवरीबडी फील कम्फर्टेबल अराउंड यू। यानी अगर आप किसी को बहुत कंफर्टेबल अपने आसपास करते हैं तो इसका मतलब है कि yes. आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ग्रूम्ड है। मैं हमेशा दो चीज़ें कहती हूँ, एक तो आप कंफर्टेबल करें लोगों को, सेकेंडली कंट्रोल योर इमोशंस। आप देखें अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं ना, एग्जाम्पल तो, देंगी जैसे इमोशंस कैसे कंट्रोल करें? इमोशंस लाइक आप शो कर रही हैं, अभी एकदम से आपको कोई बात याद आई या किसी ने आपको कोई ऐसी बात की कि आपको बहुत गुस्सा आ गया, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट, आपने उसको कंट्रोल किया, और जब आप कंट्रोल करके और वही शो को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो इट मींस कि आपने अपने आप को इतना ग्रूम किया हुआ है कि वो बात आपको इतनी असर नहीं कर रही, और आप फौरन अपने जैसे आगे सब लोगों को उसी तरीके से लेके चल रही हैं, आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब ये जैसे आपने शो टाइम के साथ साथ मुझे लगता है कि ये चीज़ जो आप कह रही हैं ये बिल्कुल 100% मैं इससे एग्री करती हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। और जैसे ये तो मेरे शो की बात करी, अगर हम आम लोगों की बात करें तो ये उस वक्त की बात करी जब कोई मेहमान आता है और चार लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो आपके क्लोज ही क्यों ना हो, उनकी कोई ऐसी बात होती है जो एकदम आपको नागवार गुजरती है, और आप मेज़बान हैं, आप मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते, और आप उस वक्त पीते हैं, और या तो आप अपनी गुफ्तगू को कहीं और मोल्ड करते हैं, कहीं और रुख देते हैं उसका, या फिर सबसे ज्यादा देखें सॉरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप पॉइज्ड अगर रहे, आप अपने कंट्रोल रखें अपने आप को, सबसे गुस्सा तो थोड़ा देर है, लेकिन कोई भी स्ट्रेसफुल, हमारे यहाँ तो रोज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, गाड़ी में जा रहे हैं स्ट्रेस है, काम कर रहे हैं स्ट्रेस है, ऑफिस में जा रहे हैं, किसी ने कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हैं। एंड मैं ये कहती हूँ कि मैनर्स और एटिकेट तो इट्स ऑल अबाउट योर पोलाइटनेस, कि आपका बिहेवियर कैसा है, हाउ पोलाइट एंड हाउ ग्रूम्ड यू आर, और ये ज़रूरी है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, सबसे पहले मैं कहती हूँ ये सीक्रेट है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप चीखना धाड़ना ऊँची आवाज़ यू नो मिसबिहेव करना, वो अगर कंट्रोल इंसान कर ले तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। अच्छा, बेसिक से शुरू करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाहिर है आपने अम्मी से भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन जब बच्चे आपके छोटे थे तो क्या चीज ऐसी थी एज माँ जो आप कहती थी जो एटिकेट के जुमरे में आती थी आपके घर में? अच्छा, हमारे घर में सबसे पहले तो यही था कि सलाम करना हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा इशू है। मेरी बहन तो नाराज हो जाती है अगर कोई बच्चा जाए और एक एक बच्चे ने उससे सलाम नहीं किया ना, तो दस बच्चे, माशाल्लाह हमारी फैमिली में बच्चे बहुत हैं, अगर कोई गेट टुगेदर है 10 बच्चे आए हैं, 9 ने सलाम कर दिया तो वो तो ओके है, एक ने नहीं किया ना तो वो फिर 4 दफ़ा बाद में मिलेंगी ना तो वो प्यार से कह देंगी, गुस्से से कहें बेटा आपने सलाम नहीं किया था बेटा। तो हमारी फैमिली में ना, अच्छा मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं बच्चे हैं ना, अभी बच्चे किसी और रविश में चल रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली में सलाम, मैंने ऐसी ऐसी फैमिलीज देखी और बड़ी महज़ब फैमिलीज देखी हैं जो सुबह उठकर आते हैं और वो सलाम नहीं करते हैं। और मैं हैरान होती हूँ कि इनके यहाँ इतना तालीम का इतना शोर है और मिलने मिलाने का इतना शोर है, लेकिन जहाँ से बेसिक स्टार्ट हो रहा है सलाम नहीं कर रहे, ये कैसे पॉसिबल है? और वो फील भी नहीं कर रहे होते। तो ये बेसिक जो है ना हमारी फैमिली में सलाम और छोटे से शफकत और बड़े का एहतराम।